हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियाज रसोई। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चा प्रसाद की रेसिपीज, जो गणेश जी को बहुत प्रिय है। आप इन्हें घर पर बनाएं और गणेश जी को ज़रूर भोग चढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गणेश जी के सबसे प्रिय उकड़ीचे मोदक। मोदक बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप वाटर। ध्यान रहे कि हमें पानी मेजर करके ही लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। इसमें एक अच्छी सी उबाल आने देंगे और फिर ऐड करेंगे 1 कप चावल का पाउडर। ध्यान रहे कि हमने जिससे पानी मेजर किया था उसी कप से हमें चावल के पाउडर को भी मेजर करना है। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि राइस पाउडर और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये अभी गर्म है तो इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और फिर ये जब ल्यूक वर्म होगा तब इसे हम आटा लगा लेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू और 1 टेबलस्पून किशमिश। ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर ऐड करेंगे 1 कप फ्रेश कोकोनट। मैंने कोकोनट को ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसे 2-3 बार मिक्सी में चलाकर भी ले सकते हैं। यहाँ मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 2 मिनट चला लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप गुड़। मैं यहाँ ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर यूज कर रही हूँ तो इसका कलर थोड़ा डार्क होता है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और आप देख सकते हैं कि गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है। इसे हम स्टिकी टेक्सचर होने तक कुक कर लेंगे और फिर इसे भी हम साइड रख लेंगे। अब हम चावल के आटे का डो बना लेंगे। इसे हम हाथ से छू सके इतना गर्म है। अब बिल्कुल इस स्टेज पे हमें इकट्ठा करते हुए ऐसे एक डो बना लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इससे हमारा डो जो है ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ बन जाएगा और इसमें अच्छा अरोमा भी आएगा। इसे अच्छे से मसलते हुए 2 मिनट और हम गूंथ लेंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ सा डो रेडी है। अब चलते हैं मोदक बनाने। मैंने यहाँ लिया एक साँचा, ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें हम डो का छोटा सा बॉल लेंगे और इस तरीके से प्रेस करते हुए चारों साइड्स में इसे स्प्रेड कर लेंगे। हमें बीच में इस तरीके से एक होल बनाना है और चारों साइड्स में इसको कवर कर लेना है। अब सेंटर में हम ऐड करेंगे ये फिलिंग जो हमने कोकोनट और गुड़ का बना के रखा है। इस तरीके से हम अच्छे से इसे प्रेस करते हुए अंदर तक भरेंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा और डो लेकर इसे सील कर देंगे इस तरीके से। अब हम मोल्ड को खोल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मोदक बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बस इसी तरीके से हमें सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ मैंने सारे मोदक रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप के बने हैं। अब चलते हैं इन्हें स्टीम करने के प्रोसेस में। स्टीम करने के लिए मैं इडली कुकर का यूज करने वाली हूँ तो मैंने यहाँ एक इडली स्टैंड लिया है और इसे सबसे पहले हम घी से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे और फिर एक एक करके इस पे हम सारे मोदक को रख लेंगे। मैं यहाँ इडली स्टैंड यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कढ़ाई में एक जाली वाला कोई बर्तन रखकर उस पे भी मोदक को स्टीम कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे मोदक रख लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सैफरन यानी कि केसर को इस तरीके से लगा लेंगे। इससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगी। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। देखिए इस तरीके से मैं एक एक केसर का धागा सारे मोदक के ऊपर प्लेस करते जा रही हूँ। इसके बाद हम इडली कुकर में 1 कप पानी डाल लेंगे और ये इडली स्टैंड उसमें प्लेस कर लेंगे। फिर इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे हम 15 मिनट के लिए मोदक को स्टीम कर लेंगे। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है।
और ये देखिए हमारे मोदक कितने परफेक्टली स्टीम होकर तैयार है। इसे हम कपड़े की मदद से कुकर से बाहर निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। अब हम बनाएंगे काला चना प्रसाद, ये भी गणेश जी को बहुत प्रिय है। मैंने एक कप काला चना को ओवरनाइट सोक कर लिया है और ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से फूल चुकी है। काले चने को 6 से 8 घंटे भिगोकर रखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप गर्म पानी में इसे कम से कम 4 घंटे भिगोकर ले सकते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर में काले चनों को ऐड कर देंगे। मैंने इसमें से सारा पानी ड्रेन कर लिया है। अब हम इसे कुकर में ऐड कर लेंगे और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 कप पानी। 1 कप चनों के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। इसे हम ढक करके 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। यहाँ 3 सीटी लग चुकी है और इसका सारा स्टीम निकल चुका है। इसके बाद ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए हमारे काले चने कुक हो गए हैं। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तड़का लगाने। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच उड़द की दाल, 1/2 चम्मच चने की दाल, 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच जीरा। इन सभी चीजों को हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे लगभग 15 से 20 सेकेंड, ताकि इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चुटकी भर हींग, साथ में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, इन्हें मैंने बीच से कट लगा लिया था, और 1 सूखी मिर्च, इसे मैंने तोड़ के ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को हम सॉटे कर लेंगे। अगर आप प्रसाद के लिए नहीं ऐसे ही बना रहे हैं तो इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी हमने 15 मिनट के लिए चटका लिया। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से करी पत्ता। इसे भी एक बार सभी चीज़ों के साथ मिलाकर लगभग 10 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए काले चने। मैंने काले चनों में से सारा पानी निकाल लिया है, उसके बाद ही ऐड किया है। साथ में डालेंगे 1/3 कप ग्रेटेड कोकोनट, मैं यहाँ फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमने काले चने जब बॉईल किए थे तब भी नमक डाला था। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए आप सारे मसाले कोकोनट चने सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं और सभी चीज़ें आपस में अच्छे से कुक हो चुकी हैं। बस इसे एक बार मिला लेंगे और बस बहुत ही झटपट सिर्फ 10 मिनट में हमारा काला चना प्रसाद बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे साबूदाना खीर, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और जैसे ही घी गर्म होगा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से काजू और बादाम। मैंने काजू और बादाम को स्लाइस करके लिया है। इसे हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़े से किशमिश। अब इन सभी चीज़ों को साथ में 1 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेंगे इनमें अच्छा कलर आने तक। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर साइड रख लेंगे। अब एक पैन में ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। अगर आप कप से मेजर कर रहे हैं तो ये टोटल 4 कप दूध है। इसे हमें बॉईल कर लेना है जब तक कि इसमें 3 से 4 उबाल आए। ये देखिए यहाँ इस पर मलाई जमनी स्टार्ट हुई है। इसे हम मिलाते हुए 3 से 4 मिनट और बॉईल कर लेंगे। ये देखिए इसमें अच्छी खासी उबाल आ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। मैंने 1/2 कप साबूदाना को 1 घंटा पानी में भिगो लिया था और फिर इसमें से सारा पानी निकाल लिया है। इसे हम दूध में ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम साबूदाना ऐड करते हैं बिल्कुल गर्म दूध में ऐड करना है
और इसे तुरंत ही चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमें कुक करना है, नहीं तो साबुदाना नीचे चिपक जाएगा। यहाँ 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि साबुदाना अच्छी सी फूल गई है और ये ट्रांसलूसेंट भी हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप शुगर। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स साइड में रख लिए थे बाद में गार्निशिंग के लिए। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आपको खीर पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये ठंडी होगी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बन जाएगी। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट मोदक, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इंस्टेंट फायरलेस मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रोस्टेड चना दाल। इसे हम एक ब्लेंडिंग जार में डालकर फाइन पाउडर इसका बना लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फ्रेश कोकोनट। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या मिक्सी में 2-3 बार चलाकर भी। साथ में जाएगा 1/2 कप गुड़ और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इसे एक बार मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए, और फिर इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक मोदक का मोल्ड लिया है, ये इजीली शॉप्स में अवेलेबल होती है। इसे हम सबसे पहले घी से ग्रीस कर लेंगे। मैं ब्रश की मदद से इस तरीके से इसे घी पूरा ग्रीस कर ले रही हूँ। अब हम मोल्ड को क्लोज करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर किया हुआ मिक्स फिल कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें मिक्स को अच्छे से अंदर तक प्रेस करके टाइटली पैक करना है, तभी हमारे मोदक का शेप बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, मैं बहुत ही अच्छे से इसे अंदर तक भर के पूरा प्रेस कर कर के फिल कर रही हूँ। और अब हम मोदक को डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मोदक बनकर तैयार है। इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसी तरीके से हम बाकी सारे मिक्स का भी मोदक बना लेंगे। और हमारे बिल्कुल झटपट सिर्फ 5 मिनट के अंदर बहुत ही प्यारे मोदक बनकर तैयार है। इस गणेश चतुर्थी में आप ये सभी प्रसाद जरूर बनाएं और बप्पा को भोग चढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।